जब मुझे विश्वास तो नहीं हुआ कि ऐसा क्लीन हो सकता है, मैं ऐसी कैजुअली बोला कि ठीक है देख लीजिए जब, लेकिन जब साफ़ किया तो वाकई में ये जो गंदा दिख रहा था वो, और ये जो साफ दिख रहा था वो, अब ऐसा लग रहा है कि ये गंदा दिख रहा है वो या साफ लग रहा है। अब उल्टा केस हो गया, ठीक है, जो पुराना वो नया दिखने लगा है वाकई में। मतलब है दम है बॉस करने वाले में और बनाने वाले। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जी दोस्तों, ये देखो इस कार का, ये देखो हेडलाइट दिख रहा है आपको, येलो येलो हो गया, और ये वाला देखो चकाचक है, आपको फर्क दिख रहा है क्योंकि ये वाला नया है और ये पुराना लगा है, तो ये पुराना वाला देखो येलोइश हो गया। तो नॉर्मली मैं कार वॉश करने को आया था, तो जो सर का जो कार है इसमें देखो ये वाला जो येलोइश हो गया, सोच रहा हूँ कि इसको भी मस्त रेस्टोरेशन करके दिखाएंगे, मस्त एकदम जो वो जो नया वाला जैसा चमक रहा है इसको भी ऐसे ही चमकाएंगे, एकदम चकाचक चमकाएंगे। तो वो कैसा करना है मैं बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम हाथों से हम ऐसे इसको बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन कर देंगे, बिल्कुल येलोइश से बिल्कुल एकदम वाइट कर देंगे एकदम नया जैसा। तो आज वो कैसा करना है मैं आपको वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल एकदम ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, फटाफट मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बोल बच्चे मार के क्या फायदा। तो सबसे पहले देखो इसको पानी से थोड़ा सा गीला कर लेना है, ठीक है, और बाद में आपको ये जो 2000 का जो सेंड पेपर है वो आपको ऐसा ले लेना है। तो मैं काम करता हूँ पूरा का पूरा ख़राब करके, फ़ायदा नहीं है, मैं बीच में से इसको फाड़ लेता हूँ ऐसा, क्योंकि ये नॉर्मली हर जगह पर ये मिलता नहीं है, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था ये 2000 का जो है ना वो सेंड पेपर। तो आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो, ऐसा किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, कोई भी कंपनी का चलेगा, नॉर्मली आप कुछ भी ले सकते हो, पर कुल मिलाकर 2000 का सेंड पेपर लेना है आपको। ओके, बाद में इसको ऐसा घिसना है, ये देखो ये ऐसा, ये देखो घिसते साथ ही क्या हो जाएगा पता है, ये देखो ये जो येल्लो येल्लो है ना ये निकल जाएगा, देखो ऊपर का जो येल्लोइश है वो निकल जाएगा। बाद में आपको मस्त एक पॉलिश मार देना है, बाद में हो जाएगा। ये देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा ना, ये देखो पूरा कचरा बाहर निकल, देखिए गंदा गंदा बाहर निकल रहा है, बस ये गंदा बाहर निकल जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो चमक जाएगा। कोई मशीन नहीं चाहिए बिल्कुल, लोग दिखाते तामझाम बहुत ज़्यादा, ये मशीन चाहिए वो मशीन चाहिए हैं, बाद में ग्राइंडर से क्या बोलते हैं उसको जो अपना पॉलिशर से उसको घिसना है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल हाथों से कर देंगे देखना। एक्चुअली मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम ऐसे इसी तरह का वीडियो लेकर के आता हूँ, जो आपको नॉर्मली सिंपल आपके घर में बैठे अपना कार जो है ना इजीली मेंटेन कर सकते हो, इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया था, तो उसमें से ये एक वीडियो ऐसे ही है। और मैं ये आधा आपको इसलिए करके दिखाता हूँ कि आपको डिफरेंस दिखे कि देखो यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर कैसा है, इस वजह से मैं आपको ये आधा पहले करके दिखा रहा हूँ। तो आपको बीच में ऐसे थोड़ा पानी मार लेना है, देखो अगर हेडलाइट का अगर अंदर साइड से है ना तो फिलहाल उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल जो बाहर साइड से जो है ना येलोइश वो बिल्कुल देखना एकदम चमक जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। ये देखो अभी से ही बिल्कुल एकदम वाइट हो गया, देखो अभी और उसका प्रोसेस थोड़ा बचा है और बाकी है इसका भी, और यस मस्त एकदम देखो कितना डिफरेंट आ गया सेंड पेपर मारते साथ ही। ये देखो आपको यहाँ पर येलोइश दिख रहा है, देखो पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर येलोइश है, बिल्कुल यहाँ पर वाइट हो गया, लेकिन स्लाइटली डलनेस है, तो डलनेस को दूर करने के लिए हम उसको स्पेशल एक रबिंग लगाएंगे, बाद में वो ठीक हो जाएगा। देखो अब हम जितना भी घिस रहे देखो इसमें से अभी कचरा नहीं निकल रहा, देखो अभी जैसे फर्स्ट टाइम जैसे घिसा ना तो उसमें बिल्कुल एकदम येलो येलो गंदा निकल रहा था ना, अब जैसे घिस रहे देखो इसमें से अभी कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि कुछ है नहीं ना ऊपर ऐसा निकलने के लिए, ये देखो निकल चुका है। अब जैसे यहाँ पर घिसेंगे तो देखना यहाँ पर वापस फिर से कचरा निकलेगा, लेकिन यहाँ पर अब नहीं निकल रहा देखो, क्योंकि यहाँ पर वो रिमूव हो चुका है। तो हम इसको आधा पहले करके दिखाएंगे, देखो यहाँ पर ये साइड से बॉटम मार, देखो यहाँ पर ये गंदा फिर से निकल रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने ठीक से घिसा नहीं था, यहाँ पर हमने घिसा देखो यहाँ पर प्रॉपर ऐसा क्लीन हो गया, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर मारेंगे रबिंग, तो आपको रबिंग कौन सा मारना है, नॉर्मली 3M का मैं ज़्यादा टाइम यूज़ करता हूँ, आप चाहे कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको कंपलसरी 3M का ही लेना है बोल के, आप अपने हिसाब से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। 3M का रबिंग कंपाउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ज़्यादा टाइम यही यूज़ करता हूँ। ये देखो ये देखो अभी ये रबिंग ला के लोग मशीन से घिसते, पर नहीं मैं देखो ये सिंपल हाथ से घिस के दिखाऊंगा और फिर भी एकदम चमक जाएगा देखना, कोई ज़रूरत नहीं आपको मशीन वशीन का, बिल्कुल हाथ से ही हो जाएगा। ये देखो ये देखो आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये देखो अब इसमें फाइनल और एक पॉलिश बचा है वो लगाएंगे, बाद में एकदम चमक जाएगा।
तो नॉर्मली इसमें कौन सा भी शाइन का जो भी पॉलिश है आप अपने हिसाब से कौन सा भी पेंट का जो पॉलिश है नॉर्मली शाइनिंग पॉलिश वो आप लगा सकते हो, या तो कोई भी वैक्स पॉलिश इसको अपना अप्लाई कर सकते हो रबिंग लगाने के बाद, उससे क्या जाएगा एक थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगा इसमें। ये देखो, अब देखो यहाँ पर देखो येलोइश दिख रहा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल वाइट हो गया जो नया जैसा, देखो वो साइड का जो नया जैसा है ना, देखो यहाँ पर कैसा नया है बिल्कुल, यहाँ पर भी देखो उतना ही नया हो गया, देखो यहाँ पर बिल्कुल वाइट हो गया। अभी यहाँ पर येलोइश है वो भी हम इसको घिस के भी ऐसे ही सेम एकदम वाइट कर देंगे। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने जैसे घिसूंगा ना देखना यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा हाँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर घिसूंगा देखना यहाँ से बिल्कुल कितना गंदा निकलेगा, देखना येलोइश जो कचरा है ना ये देखो क्लियर दिख रहा है, देखो यहाँ पर घिसा तो कुछ नहीं निकला, जैसे यहाँ पर हमने घिसना शुरू किया देखो ये देखो पूरा कचरा निकल रहा है, देखो ये पूरा कचरा निकल रहा है, दिख रहा है आपको ये देखो कचरा पूरा निकल, जबकि यहाँ पर पहला बार निकला था। तो ये जो हम जब घिसते ना जो येलोइश जो ऊपर का जो एक धूप से जो एक ऊपर का प्लास्टिक था ना वो जो ये होता है वो क्या बोलते हैं उसको मतलब डलनेस हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है, वो चीज़ रिमूव हो जाता है, उसके बाद फिर से वाइट आ जाता है। ये देखो इसलिए धूप से होता है वो, ये देखो पूरा गंदा निकल रहा है, ये देखो आपको मैं यहाँ पर कचरा लगा के दिखा रहा हूँ, देखो वाइट में आपको क्लियर दिखेगा, देखो ये जो गंदा यहाँ से अभी नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर हमें घिस चुके ना इस वजह से, तो ये जो येलोइश है ना यही चीज़ यहाँ पर चिपका हुआ था, हमको यही चीज़ प्रॉपर ऐसा हर जगह से निकल देना है पूरा जगह से। ये देखो हम इसको पानी मार लेंगे ठीक से, चकाचक क्लीन कर लेते हैं, फिर थोड़ा उसको रबिंग अप्लाई करेंगे, उससे एक फिनिशिंग आ जाएगा। ये देखो इसका नाम क्या है, ये देखो फिनिशिंग कंपाउंड यहाँ पर लिखा है देखो है ना, तो उसको हम अप्लाई करेंगे अभी इसको। नॉर्मली से कभी गीला है ना पानी लगा हुआ है ना, तो आप सीधा पानी लगा तो उसमें भी आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पानी के साथ ही, सर ड्राई होना ज़रूरी नहीं है, इसको अच्छे से बस दबा के घिस लेना है। चलो ठीक है देखो अभी पूरा वाइट हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा वैक्स पॉलिश मार देंगे फाइनल, बाद में हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, नॉर्मली जैसे कि सैंड पेपर मार दिया ना आपने 2000 का, उसका देखो ये जो रबिंग कंपाउंड है वो आपको अच्छे से घिसना है, नहीं तो जो है ना ये येलोइश तो निकल जाएगा पर स्लाइटली डलनेस रह जाएगा ठीक है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि रबिंग कंपाउंड वो आप अच्छे से घिस सके, नहीं तो कांच में डलनेस रह जाएगा। फिर बोलोगे यार नित्तो भाई ने क्या बताया ट्रिक पता नहीं, उससे काम नहीं हुआ तो ये रबिंग कंपाउंड भी मेन है, खाली 2000 का सैंड पेपर लाने से नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे दबा के आपको घिसना है ताकि जो वो सैंड पेपर से जो स्लाइटली जो स्क्रैच आया रहते ना वो निकल जाए, उसके बाद आपका प्रॉपर शाइन आ जाएगा। ये वाला दिख रहा है वो नया वाले से ये ज़्यादा नया दिख रहा है अभी, यही तो मज़ेदार बात है। वाओ अब देखो फाइनली हो गया देखो ज़रा डिफरेंस देखो, एकदम चकाचक हो गया, क्या येलोइश था अब देखो कितना मस्त एकदम चमक गया है ये देखो। तो दोस्तों देखो ये छोटा सा वीडियो बनाया मैंने स्पेशली आपके फ़ायदे के लिए है ना, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये जो है ना ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है हेडलाइट का आपको कैसा लगा है ना। तो दोस्तों देखो हमारा सर का कार है वो, उनका मैंने हेडलाइट ऐसा एक्चुअली नॉर्मली कार वॉश करने को आया था उनका, पर बाद में क्या देखा मैंने येलोइश ऐसा हो गया, तो मैं सोचा चलो सर के लिए मैं फ्री में ये सर्विस करके देंगे ताकि सर खुश हो जाएंगे ऐसा बोलकर, ताकि अगले बार मुझे डेली कार वॉश के लिए बुलाए, तो सर खुश हो गए तो मैंने वीडियो बंद किया, तो बोला अरे यार तुम भाई मेरा भी रिव्यू ले लो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने, मैं सोचा नहीं था इतना उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा क्लीन हो गया, तो मैंने सोचा ठीक है सर से भी पूछ लेते कैमरा, तो कि आपको पता चला कि एक्चुअली जेन्युइनली वो क्लीन हुआ, तो सर आप कुछ बताए इस बारे में क्या आपको कैसा लगा। कहाँ से सोच रहा था बदलूंगा यहाँ पर, पर भाई साहब ने जैसे बताया कि कार वॉश करने के बाद ये भी क्लीन हो सकता है, मतलब मुझे विश्वास तो नहीं हुआ कि ऐसा क्लीन हो सकता है, मैं ऐसी कैजुअली बोला कि ठीक है देख लीजिए जब, लेकिन जब साफ़ किया तो वाकई में ये जो गंदा दिख रहा था वो और ये जो साफ दिख रहा था वो, अब ऐसा लग रहा है कि ये गंदा दिख रहा है वो या साफ लग रहा है, अब उल्टा केस हो गया ठीक है, जो पुराना है वो नया दिखने लगा है वाकई में, मतलब है दम है बॉस करने वाले में और बनाने वाले अच्छा नॉर्मली आप इसको चेंज करने के लिए सोच रहे थे पुराना हो गया, चेंज करने सोच रहा था क्योंकि ये लाइट रात में बहुत डिम कर रहा था इसलिए सोच रहा था चेंज करने के लिए, लेकिन अब शायद
ना मतलब बंद करना पड़ेगा और अब कुछ भी सामान चेंज करने से पहले एक बार पूछना जरूर पड़ेगा। सही है, कुल मिला के येलोइश इतना ज़्यादा हो गया था कि रात को फोकस भी डिम पड़ रहा था, तो अभी क्लीन हो गया तो मस्त, अभी रोशनी में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, है ना। थैंक यू। चलो सर, ओके, है ना, हमारा कार वॉश भी हो गया तो अभी जाएंगे, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।